नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली के अटल भवन भाजपा कार्यालय में रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकतंत्र का काला अध्याय भारत में आपातकाल विषय पर। गौरतलब बात यह है कि भारत में 25 जून 1975 को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जब देश में आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की जनता को सभी मौलिक अधिकारों से किया निरस्त। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दीपेश टंडेल, भाजपा प्रवक्ता अंकिता पटेल, पूर्व दमन भाजपा अध्यक्ष बीएम माछी एवं द्वारकानाथ पांडे उपस्थित रहे। देखें इस विषय पर प्रवक्ता अंकिता पटेल और अध्यक्ष दीपेश टंडेल ने मीडिया को क्या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है उस पर चर्चा करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 में हमारे देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला तब हुआ था कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। 25 जून की उस रात को कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे देश की आत्मक लोकतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला हुआ था और आज इमरजेंसी के 46 वर्ष बाद भी हमारा देश उन काली दिनों को याद करता है कि जब इमरजेंसी के दौरान हमारे देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था। यहाँ तक कि प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और देश के कई ऐसे जो विपक्ष के नेता थे जिन्होंने आवाज उठाई इस तानाशाही के खिलाफ उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था और साथ ही साथ ऐसी कई लोकतांत्रिक आवाजें थी जिसे दबाकर रख दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री भले ही इंदिरा गांधी जी थी लेकिन इमरजेंसी के ऐसे कई क्रूर निर्णय संजय गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के थे लेकिन वो खुद संसद के सदस्य भी नहीं थे उनके द्वारा लिए गए। दिवेश भाई, जिस तरह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस तरह का ये जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली की, क्या लक्ष्य है जिसको देखकर ये किया गया? ये खाली दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश में ही किया गया ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन देश के हर प्रदेश में है, ना ही प्रदेश में किंतु आने वाले दिनों में इन्हें जिला स्तर पर भी हम लाने वाले हैं और ये लाने का कारण सिर्फ एक ही है, हम देश प्रदेश और जिले की जनता को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस ने किस तरह शासन किया था, किस तरह अपनी असक्षमता जाहिर की थी, किस तरह उन्होंने अर्थतंत्र को तोड़ दिया था, किस तरह उन्होंने बेरोजगारी के दर को बढ़ाया था और किस तरह ये फेल रहे, तो लोगों को ये जानना जरूरी है। और ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की बहुत सारी सहयोगी पार्टियाँ आज अन्य प्रदेशों में जहाँ उनका शासन चल रहा है, आप आपके अखबारों के माध्यम से देख ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हालत है, राजस्थान में क्या हालत है, दिल्ली में क्या पोजिशन है, यानी जो भी उनके सहयोगी पार्टियां हैं वो सब भी आज उसी तरह का असक्षमता भरा शासन दे रही है और हर जगह संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। तो जनता को ये चीज़ें भी मालूम होना चाहिए कि ये जो विरोध पक्ष वाली का लेकर जो कांग्रेस चल रही है और पूरे राष्ट्रवादी जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है उनको विरोध में किस तरह कार्य कर रही है और किस तरह प्रदेश में और पूरे देश में अराजकता का माहौल खड़ा कर रही है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और सेल्फ राष्ट्र, यानी हम राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं। हमने आज अपनी पार्टी में युवा और महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया है और हम युवा और महिलाओं के माध्यम से पूरे देश में एक माहौल खड़ा कर रहे हैं कि आने वाला दिन में जो सुरक्षा का माहौल खड़ा करना है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह काम किया है देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम लोग ने संपूर्ण रूप से कंट्रोल ले लिया और अभी सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्य चल रहे हैं। यानी हम आने वाले दिनों में युवाओं को अच्छा से अच्छा रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार कैसे प्राप्त हो और महिलाओं किस तरह सुरक्षित बने, महिलाओं किस तरह सशक्त बने और महिलाओं भी पुरुष की तरह समकक्ष बने, ये हमारे प्रयास है।